हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की पोइट्री की कविता करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का हिंदी रूपांतरण देखेंगे। करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसके पोइट हैं सर हेनरी वॉटन। अबाउट द पोइट, सर हेनरी वॉटन वॉज बॉर्न इन 1568। सर हेनरी वॉटन का जन्म, बॉर्न मीन पैदा होना, वॉज बॉर्न इन 1568। सर हेनरी वॉटन का जन्म 1568 में हुआ था। ही गॉट हिज एजुकेशन एट विंचेस्टर एंड एट क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड। उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की विंचेस्टर एंड क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में। आफ्टर दैट ही वेंट टू मिडिल टेम्पल। आफ्टर दैट ही वेंट टू मिडिल टेम्पल टू प्रैक्टिस लॉ। आफ्टर दैट मीन्स उसके बाद ही वेंट टू, वो गए मिडिल टेम्पल टू प्रैक्टिस लॉ। प्रैक्टिस लॉ, लॉ मीन्स कानून का प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। लेटर ऑन, लेटर ऑन मीन्स होता बाद में। इन 1595 ही बिकेम एन एजेंट। वो एक एजेंट बन गए 1595 में। एंड ए सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मीन्स होता है सचिव, सचिव बन गए ऑफ द अर्ल ऑफ एसेक्स। लेटर इन 17th सेंचुरी, बाद में 17वीं सेंचुरी, सेंचुरी में शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में ही हेल्ड वेरियस डिप्लोमेटिक पोस्ट। उन्होंने बहुत सारी डिप्लोमेटिक पोस्ट होल्ड की, लाइक एम्बेसडर, राजदूत। एट द कोर्ट ऑफ वेनिस एंड प्रोवोस्ट ऑफ इटन। वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक्स ऑफ द बर्टन वॉज, उनका सबसे बड़ी अच्छी, सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध कविता थी बर्टन, बर्टन की थी, ऑन हिज मिस्ट्रेस क्वीन ऑफ बोहेमिया। ही टुक हिज लास्ट ब्रीथ इन 1639। उन्होंने अंतिम सांस ली 1639 में अंतिम सांस ली। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, अकॉर्डिंग टू दिस सर हेनरी बॉटन, ए मैन इज हैप्पी इफ ही इज नॉट अंडर अनदर्स स्पेल। अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, सर हेनरी बॉटन के अनुसार, ए मैन इज हैप्पी इफ ही इज नॉट अंडर अनदर्स बिल। बिल मीन्स होता है इच्छा। एक मनुष्य प्रसन्नचित कब होता है? यदि वो किसी की इच्छा के अधीन ना हो। सच ए मैन इज इंडिपेंडेंट, सच मीन्स इस प्रकार का, सच ए मैन मीन्स इस प्रकार का आदमी, इज इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र होता है। इस प्रकार का आदमी कैसा होता है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, ट्रूथफुल, सच्चा होता है, इन ऑनेस्ट, ईमानदार होता है। ही इज नॉट ए स्लेब, स्लेब मीन्स गुलाम या दास होना। ही इज नॉट स्लेब टू हिज पैशंस, पैशंस मीन्स होता है मन की प्रबल इच्छाओं। वो अपनी मन की प्रबल इच्छाओं का स्लेव या दास या गुलाम नहीं होता है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ और पब्लिक क्रिटिसिज्म। वह मृत्यु से या अपनी पब्लिक क्रिटिसिज्म में लोगों के द्वारा उपहास, क्रिटिसिज्म में उपहार, पब्लिक में लोगों के द्वारा उपहास करने से भी वो डरता नहीं है। ही इज फ्री फ्रॉम वर्ल्डली एंजाइटीज एंड इविल्स सच एज जेलसी, हैट्रेड एंड एंगर। ही इज फ्री फ्रॉम मीन्स वो स्वतंत्र होता है, वर्डली, वर्डली मीन्स सांसारिक, सांसारिक, एंजाइटीज मीन्स चिंताओं से फ्री, स्वतंत्र होता है। एंड इबिल्स, इबिल्स मीन्स होता है बुराइयों से, अवगुणों से। इबिल्स सच एज जेलसी, जो बुराइयाँ होती हैं, जैसे सच एज जेलसी, जेलसी मीन्स होता है ईर्ष्या, घृणा करना, ईर्ष्या। हैट्रेड मीन्स होता है नफरत। एंगर मीन्स क्रोध, ये जो सामाजिक बुराइयाँ होती हैं, इन सबसे वो स्वतंत्र होता है।
ही फॉलोज द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियंस, वो हमेशा फॉलो करता है, फॉलो मीन्स अनुसरण करता है, हिज कॉन्शियंस, वॉइस मीन्स आवाज, किसकी, हिज कॉन्शियंस, अपने अंतःकरण की या अपने मन की, एंड ही इज वेरी केयरफुल ऑफ द फ्लैटरर्स एंड र्यूमर्स, वो हमेशा वेरी केयरफुल, बहुत सावधान रहता है, केयरफुल मीन्स सावधान रहना, फ्लैटरर्स, फ्लैटरर्स मीन्स होता है चापलूसी करने वालों से, एंड र्यूमर्स मीन्स अफवाहों से, सतर्कता, सावधान रहता है, ही प्रेज टू गॉड, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, ही प्रेज टू गॉड, वो भगवान से प्रार्थना करता है डेली, प्रतिदिन, फॉर हिज ब्लेसिंग्स, भगवान से उसकी ब्लेसिंग, अपने आशीर्वाद के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, एंड नॉट फॉर वर्ल्डली थिंग्स, और ना कि सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, ही पासिस हिज टाइम इन कंपनी ऑफ गुड बुक और गुड फ्रेंड्स, वो पासिस मीन्स व्यतीत करता है, वो अपना समय व्यतीत करता है कैसे, इन कंपनी ऑफ मीन्स साथ में, लोगों किसके साथ में, एक गुड बुक, अच्छी पुस्तकों या अच्छे दोस्तों के साथ अपने समय को व्यतीत करता है, ही रिएक्ट्स इन द सेम वे टू हिज फियर्स एंड अचीवमेंट्स, वो हमेशा प्रतिक्रिया देता है सेम वे, उसी प्रकार से, चाहे वो अपने फी उसके फियर्स हो, डर हो उसको, या फिर अचीवमेंट्स कोई उपलब्धि हो, सेम प्रकार की प्रतिक्रिया रखता है, इट मीन्स वो अडिग रहता है, ही हैज सेल्फ कंट्रोल एंड इज सेटिस्फाइड विथ व्हाट ही हैज, ही हैज सेल्फ कंट्रोल मीन्स आत्मनियंत्रण, अपने ऊपर आत्मनियंत्रण रखता है, एंड सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहता है विद व्हाट ही हैज, जो कुछ भी उसके पास है उसी से वो संतुष्ट रहता है। स्टेंजा, हाउ हैप्पी इज ही वॉर्न और टॉल्ड दैट सर्व नॉट अनदर्स विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, हाउ हैप्पी इज ही वॉर्न और टॉल्ड, वो व्यक्ति कितना प्रसन्नचित है वार और टॉट में, जो प्रकृति से पैदा हुआ जन्म से, या फिर टॉट टॉट में सीखा है बाद में, जिसने सीखा है या जन्म से, दैट सर्व नॉट अनादर्स बिल, जो कि सर्व में सेवा करता है, नॉट अनादर्स बिल में, जो कि दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं पे काम नहीं करता है, निर्भर नहीं होता है, हुज आर्मर, आर्मर मीन्स होता है रक्षा कवच, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके रक्षा कवच उसके क्या होता है, ईमानदार विचार, ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी भरे विचार होते हैं, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट, अटमोस्ट में सबसे ज़्यादा, अटमोस्ट स्किल, स्किल मीन्स गुड, और उसके सिंपल ट्रूथ जो साधारण सत्ता ही है, सच्चा है, सच्चापन उसके अंदर है, वो सबसे बड़ा उसका गुण होता है, हुज पैशंस Not his masters are, though whose soul is still prepared for death, untied into the world with care of princely love or vulgar breed. Whose passions, passions में हमने बताया था प्रबल इच्छाएं, not his masters are, masters means उसका स्वामी नहीं है, उस पर control है, ना मास्टर्स आर, हुज सोल इज, सोल मीन्स होता आत्मा, जिसकी आत्मा है, स्टिल प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार होना, तैयार है फॉर डेथ, जिसको आत्मा, जो हमेशा मृत्यु, मरने के लिए हमेशा तैयार रहता है, अनटाइड, अनटाइड मीन्स होता फिर ही छोड़ देना, स्वतंत्र, टाइड का अपोजिट है अनटाइड, स्वतंत्र छोड़ देना, जो हमेशा स्वतंत्र रहता अन टू द वर्ल्ड विद केयर, सावधानी के साथ हमेशा इस संसार में हमेशा स्वतंत्र रहता है, आप प्रिंसली लव, या तो उसको एक राजकुमार की तरह प्रेम किया जाए तब भी, या फिर बल्गर ब्रीद, उसके क्या किया जाए, सामान्य लोगों का मत या आलोचना के समय भी वो हमेशा फिर यह स्वतंत्र रहता है। Who had his life from rumors free, यहाँ पर लिखा है हैथ मीन्स होता है इसके पास, हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटरर्स फीड नॉर रून मेक ऑपरेशंस ग्रेट, ही हु हैथ मीन्स हैज, हैथ मीन्स होता है हैज या हैव रखना,
लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्री, जिसका जीवन हमेशा कैसा रहता है, र्यूमर्स फ्री, अफवाहों से स्वतंत्र रहता है, फ्री रहता है, हमेशा अफवाहों से फ्री रहता है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, कॉन्शियंस मीन्स अंतःकरण, मानसिक अंतःकरण, या हुज कॉन्शियंस जिसका अंतःकरण इज स्ट्रांग, हमेशा स्ट्रांग मजबूत रहता है, क्या है, रिट्रीट, शरण स्थली है, जिसका अंतःकरण ही हमेशा उसकी शरण स्थली है, स्ट्रीट मीन्स शरण स्थली, जहाँ पर शरण लेते हैं। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटरर्स फ्रीड, स्टेट मीन्स होता है स्थिति या पोजिशन, जिसकी स्थिति या पोजिशन में नीदर फ्लैटरर्स फीट, जहाँ पर फीट फ्लैटरर्स चापलूसों को कोई जगह या संतुष्टि नहीं मिलती, फ्लैटरर्स मीन्स उस चापलूसों को कोई स्थान नहीं मिलता। ना र्यून मेक ओप्रेसर्स ग्रेट, र्यून ना भी कोई कष्ट या हानि पहुँचाती है किसको, ओप्रेसर्स, ओप्रेसर्स मीन्स होता है हमेशा दमन करता है, दमन करने वालों को ग्रेट या महान दमन करने वालों को फ्री कोई हानि नहीं पहुँचाती। हु इनवीज, इनवीज में होता है, इनवी में होता है ईर्ष्या करना या नफरत करना। हु इनवीज नन होम चांस डथ रोज, डॉथ रोज, डॉथ में होता है करता है, वो किसी से नफरत नहीं करता। होम चांस डथ रोज, रेज में उठाना, जिसको जो गलती से बाई चांस ऊपर उठ गए या विकास विकसित हो गए, उनसे वो कभी भी नफरत नहीं करता है। नाइस नार वाइस, वाइस मीन्स होता है बुराई, ना ही बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो जो कभी भी नहीं समझते हैं, ना समझें, हाउ डीपेस्ट बूंड्स आर गिवन विद प्रेज, जो कि ये नहीं समझते हैं कि हाउ डीपेस्ट मीन्स कितने गहरे बूंड्स मीन्स घाव आर गिवन दिए जाते हैं विद प्रेज, प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जाते हैं, ये तो नहीं समझते हैं, तो उनके भी प्रति वो बुराई नहीं करता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, ना ही राज्य सरकार के रूल्स की वो मानता है, बट रूल्स ऑफ गुड, अच्छा ही है, सदगुणों को, नियमों को पालन करता है। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, हु हमेशा डोथ, डोथ मिस करता है, डी ओ टी एच डोथ मिस करना, तो हमेशा करता है लेट एंड अर्ली प्रे, जो हमेशा इस सुबह अर्ली जल्दी और लेट में प्रे, प्रे मीन प्रार्थना करता है। मोर हाफ इज ग्रेस, उसकी अपने ऊपर कृपा बनाए रखने के लिए, देन गिफ्ट्स लैंड, ना कि उपहार जो कि उधार दे सके, उपहार के लिए नहीं, परंतु अपने ऊपर भगवान की कृपा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चोजन बुक आर फ्रेंड्स, इंटरटेनमेंट जो तो आनंद, आनंद करना, आम होता है आनंद करना उठाना। हु इंटरटेन्स, अपने समय को व्यतीत करता है कैसे, हार्मलेस डे, बिना नुकसान पहुंचाए हुए दिन को, किस टाइप, विद ए वेल चोजन बुक, अच्छी तरह से चुनी हुई किताबों या फिर दोस्तों के साथ वो अपना समय व्यतीत करता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल मीन्स होता है दास्तावल, बैंड्स मीन्स होता है बंधन, इस प्रकार का व्यक्ति फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, कहे से, दास्तावल बंधनों से। ऑफ होप टू राइज, जिसके पास इच्छा होती है, कहेगी होप टू राइज, ऊपर उठने की, और फियर टू फेल, या जिसके अंदर असफलता का डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने खुद का स्वामी होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, लेकिन जमीन या जायदाद या संपत्ति का नहीं। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी ना होते हुए ही हैज ऑल, और उसके पास कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं अपने वीडियो का यहीं अंत करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तथा आप लोग इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।